हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो सब लोग? होप आपने फिजिक्स का लास्ट वाला लेक्चर एंजॉय किया होगा, मस्ती से पढ़ा होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और इतनी तो उम्मीद है कि जो प्रैक्टिस आपको करने के लिए बोली गई थी वो आपने ट्राई की होगी। ठीक है, तो पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो भी हैं वो गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, लाइव में आ गए हैं तो। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको आपका फिजिक्स टीचर दीपक सर। आज अपन जो है यूनिट एंड डायमेंशन में आगे पढ़ेंगे। अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन में क्या पढ़ा था? अपन ने यूनिट के बारे में जाना था, फिजिकल क्वांटिटी जानी थी, अपन ने ये जाना कि कैसे डायमेंशन निकाली जाती है, डायमेंशन होती क्या है, कि पावर होती है किसकी, कि उसकी जो बी वैल्यू होती है उसकी पावर होती है। अपन ने कुछ डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट भी किए थे, आप लोगों ने पढ़े भी थे, होप आपने शीट में से कुछ एक्सरसाइज की भी होगी। आज जो है अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आगे क्या कि डायमेंशन अपन ने पढ़ ली, पर डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ आता है, कि डायमेंशन को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए यूज ऑफ डायमेंशन अपन उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कि डायमेंशन का यूज क्या है, कि एक तो होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में क्या करते हैं अपन, कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को यूज करते हैं, कि किसी चीज को किसी चीज में ऐड करना है तो दोनों सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए, उसको लेके डायमेंशन में कैसे यूज करेंगे वो अपन देखेंगे। दूसरी बात है रिड्यूसिंग रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, कि एक मेरे को डायमेंशन दे दिया उसका डिपेंडेंसी किसी दूसरे पर है, तो उन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा वो अपन यहाँ से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज है यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, कि मेरे को एक यूनिट दी हुई है, मान लीजिए आपको किसी में मीटर दिया हुआ है, अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या एक यूनिट को अपन ने दे दिया कि फोर्स इसमें दिया हुआ है वो एमकेएस में दे दिया अपने को, अब उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो एमकेएस से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पहला होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं, कि इफ अ इक्वेशन कंटेन्स सर्वल टर्म्स सेपरेटेड बाय द सिंबल ऑफ इक्वेलिटी प्लस और माइनस दिस डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। तो एक कोई अपने को इक्वेशन दी हुई है, अपने को एक इक्वेशन दी हुई है उसमें बहुत सारी मल्टीपल टर्म है, तो उन टर्म को अपन प्लस और माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस और माइनस में लिखा हुआ है, और उसका जो डायमेंशन होगा वो हर टर्म का सेम होगा, टर्म शुड बी सेम डायमेंशन। और इसको अपन एक टाइप से भी लिख सकते हैं, कि अपन एड और सब्ट्रैक्ट केवल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं। मतलब किसी एक टर्म में दूसरी टर्म एड करना है तो सिमिलर होना चाहिए, और अगर इक्वल टू के बाद है तो ये जो अपन ने एडिशन किया वो उस टर्म के सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो अपन बात करना चाहें कि 10 लीटर दूध है, तो 10 लीटर दूध में मैं केवल एक लीटर वाली चीज ही तो ऐड कर सकता हूँ, कि 10 लीटर दूध में मैं 10 लीटर पानी ही ऐड कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं 10 लीटर दूध में 10 किलो पत्थर ऐड करूँ, ऐसा नहीं है ना। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, कि दो जो क्वांटिटी अपने पास हैं वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए, तभी उसमें एडिशन होगा या उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बात यहाँ पे आती है कि एग्जाम्पल अपन लेके चले, कि अब देखो अपन को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपने को डायमेंशन फाइंड करनी है ए एंड बी की, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे इक्वेशन अपने को दी हुई है वी इक्वल टू बी प्लस ए टी। ठीक है, वी क्या है यहाँ पे, वी वेलोसिटी है और टी जो है टाइम है। अब यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन क्या दी, कि वी इक्वल टू बी प्लस ए टी। ठीक है, अब बात आती है अपने को यहाँ पे बी और ए की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले चीज तो अपने को डायमेंशन किसकी पता होनी चाहिए, वी की पता होनी चाहिए। क्या वेलोसिटी की डायमेंशन आप सब लोगों को पता है? अगर हाँ तो क्या होती है वेलोसिटी की डायमेंशन, एक बार लिखिए। तो वेलोसिटी, अब इसको सोल्व आप साथ साथ करते रहिए, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है अपन जानते हैं ये वाली चीज। ठीक है, बी की डायमेंशन अपने को फाइंड करनी है और ए और टी की डायमेंशन अपने को फाइंड करनी है। तो अपन ने होमोजेनिटी प्रिंसिपल में क्या जाना, कि इक्वेशन के दोनों साइड की जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि एक इक्वेशन अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस b माइनस ए टी इक्वल टू जीरो। तो अपन ने दो प्रिंसिपल पढ़े, कि v की डायमेंशन b की डायमेंशन और ए टी की डायमेंशन के बराबर होगी, या एडिशन
इसमें सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो बी की डायमेंशन जो है बी की डायमेंशन और एडी की एटी की डायमेंशन के बराबर होगी। यही चीज तो उसमें बोली गई। तो जो बी की मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वो बी की डायमेंशन के बराबर होगी और वो इक्वल टू होगी एटी की डायमेंशन के बराबर। डायमेंशन के लिए अपन ये लोग ये बात जानते हैं कि ब्रैकेट के अपन अंदर उस चीज को लिखते हैं। अब यहाँ पे तो अपने को यहाँ से पता लगा कि बी की डायमेंशन क्या होगी, कि बी की डायमेंशन जो है मैं बी की डायमेंशन के बराबर लिखूंगा। और बी की डायमेंशन क्या होती है, कि वेलोसिटी क्या होती है, कि वेलोसिटी क्या होती है आप लोगों को पता है कि अपन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया गिवन टाइम में। तो वी को अपन ऐसे लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या उसका डिस्प्लेसमेंट पर क्या होगा कि मीटर होगा और टाइम का अपन टी लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं एम तो अपने पास जीरो आ गया, एल वन आ गया और टी क्या हो गया अपने पास माइनस वन हो गया। ठीक है, अब बात आती है अपने यहां पे निकाले ए की डायमेंशन। तो ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन के भी बराबर होगी, बी की डायमेंशन के बराबर होगी और बी वी की तो डायमेंशन ही बराबर है। तो अपने यहां पे ए की डायमेंशन को बी की डायमेंशन से कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ए टी की डायमेंशन, क्योंकि अपने पास ए और टी दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। टी क्या है, टी अपने को दिया हुआ है कि टी क्या है, टाइम है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए की डायमेंशन और टी की डायमेंशन तो वन होगी, इक्वल टू वी की डायमेंशन क्या है कि मीटर, या तो एल और टी ऐसे लिख सकता हूं मैं, टी माइनस वन। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा कि ए की डायमेंशन मेरे को फाइंड करनी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं कि ए की डायमेंशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, v की डायमेंशन अपॉन t की डायमेंशन हो जाएगी। तो v क्या होता है कि मीटर अपॉन टाइम हो गया, तो अपने पास a की डायमेंशन जो बराबर किसके हो जाएगी, कि वो जो है l t की डायमेंशन माइनस वन है अपॉन t माइनस वन है, यहां से दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा l के डायमेंशन के बराबर हो जाएगी। वैसे अपन इसको कैरी फॉरवर्ड करें कि इसका फॉर्मूला अपन ने देखा भी है कि इक्वेशन ऑफ जब मोशन देखते हैं अपन, तो अपन ने एक चीज पढ़ी है, अपन इसको वहां से रिलेट करके देख सकते हैं कि v बराबर u प्लस at है। ठीक है, तो अपन यहां पे जब बात करें कि मेरे पास क्या हो गया कि ये क्या है, a क्या है, a क्या है अपने पास ग्रेविटेशन है। तो a को अपन इसको l और t माइनस टू ही लिखते हैं ना, यहां पे t माइनस वन था, यहां से ऊपर गया तो t की पावर माइनस टू हो गया। ठीक है, ये जो अपने पास t की पावर माइनस टू हो गया, ठीक है, तो इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अब यहां से अपन अगर सॉल्यूशन अपना जो निकालना से है तो ये लिख सकते हैं कि b की डायमेंशन तो v की डायमेंशन के बराबर होगी, तो वो अपने पास b की वैल्यू क्या होगी कि b की तो हो गया v हो गया, वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी जो है अपने पास लेंथ अपॉन टाइम, और एक ही डायमेंशन क्या हो गया, एक अपने पास एक्सेलरेशन हो गया एल टी माइनस टू जो हो गया अपने पास आंसर। अब इससे अपन ने क्या सीखा कि अपन को अगर कोई इक्वेशन दी हुई हो और अपन को एक साइड के पार्ट की वैल्यू पता हो, दूसरे वाले की कुछ डायमेंशन अपन पता हो, तो अपन उसको निकाल सकते हैं उस डायमेंशन को। आगे अपन इसको बहुत सारे इक्वेशन में अपनी शीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी है वहां पर अपन इसको देखेंगे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कैसे इक्वेशन में आती है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि डायमेंशन वाला फॉर्मूला हमेशा क्या अपन डायमेंशन से ही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या। मान लीजिए यहां पे होता कि डायमेंशन अपन को दी हुई होती, दोनों टर्म की दी हुई होती कि ए की डायमेंशन भी है बी की डायमेंशन भी, तो क्या करेक्ट फॉर्मूला अपने पास आता। इस वाली चीज पे अपन जो है आगे डिस्कशन भी करेंगे कि क्या वो चीज हमेशा सही रहेगी। अब बात आती है कि रिलेशनशिप निकालना, कि अपन दो अपने को फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर मेरे को फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो फिर क्या मैं रिलेशनशिप भी मतलब एग्जैक्टली निकाल सकता हूँ कि हाँ ये वाली रिलेशन एग्जैक्टली होगी, या केवल डिपेंडेंसी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वही अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इफ वी नो द डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी, देन बाई यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन रिड्यूस अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज।
मतलब अगर मेरे को डिपेंडेंसी दी हुई है एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे, तो उस रिलेशनशिप के बेस पे मैं उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल अपने को दिया गया है, एक सिंपल पेंडुलम की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बोन अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग सपोर्ट देयर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ मास एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इस टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। अपन जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, तो ऐसा कोई पेंडुलम होगा जिसका एक यहाँ पे ऐसे हो रहा होगा, अब ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा, थोड़ा थोड़ा इधर मूव करेगा, है ना। इसमें क्या क्या होगा कि इसका एक मास होगा, इस स्ट्रिंग की जो है लेंथ होगी, और ये क्या करेगा, जी अपने पास नीचे अप्लाई होगा। तो उसने क्या बोला कि उसका जो इसमें बात करते हैं कि उसमें जो किस किस पे डिपेंड क्या क्या कर रहा है, तो इसमें अपन देखेंगे। सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना है अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे अपन वही सबसे पहले वही चीज देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो, नेट के क्वेश्चन में अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया तो आधा काम आपका खत्म हो गया। मतलब ये है कि फिजिक्स एक तो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, मॉडरेट और इजी लेवल की है। तो पहली चीज़ तो अपने को क्वेश्चन पढ़ के इन्फॉर्मेशन गेन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, वो अपन ने गेन की, उसको चाहे तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन गेन की और उसके बेस पे क्या क्या फॉर्मूले मेरे पास हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को लेकर अपन ने जो है कैलकुलेट करके कोशिश की क्वेश्चन सोल्व करने की, तो 90-99% चांस रहते हैं कि आप उस क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, अपन का इसमें क्वेश्चन अपन पढ़े तो उसने क्या दिया हुआ है कि उसने दिया हुआ है कि पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, पीरियड दिया हुआ है, तो पीरियड को अपन क्या बोल रहे हैं, टी बोल रहे हैं। टी किस किस पे डिपेंडेंट है, तो उसने डिपेंडेंसी क्या बोला कि लेंथ पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है और एक्सेलेरेशन पे डिपेंडेंट है, और वो भी कौन सा, ग्रेविटेशन वाला। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो मेरे पास मास पे डिपेंडेंट है। पहली बात तो मास को मैं मान लेता हूँ कि मास पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली कि टाइम पीरियड फिर डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर बात आई अपने पास कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है, कि उसकी जो है टाइम पीरियड जो है ग्रेविटी, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है उस पे डिपेंडेंट है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हो सकता है उसके पावर में कुछ ना कुछ लगा होगा, तो वो जो है टाइम जो डिपेंडेंट होगा, मान लीजिए वो एम का जो मास का जो है वो एक गुना हो गया, या यहाँ पे एक ही जगह आप एक सीख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन कम होगा अगर आप ग्रेविटेशन की बात करेंगे। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पे टाइम जो है एम की पावर एक्स पे डिपेंडेंट, ठीक है, टाइम जो है एल की पावर वाई पे डिपेंडेंट है, और टाइम जो है जी की पावर जेड पे डिपेंडेंट। ठीक है, अब अपन इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और जी की पावर जेड। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे अपन तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लेंगे, तो टी इक्वल टू अपन ऐसे कर सकते हैं के, ठीक है, एम की पावर ए एक्स, एल की पावर जो है वाई और जी की पावर क्या हो गया जेड। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अब इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे कि अपन क्या टाइम की डायमेंशन जानते हैं क्या होती है, ठीक है, अपन क्या मास की डायमेंशन जानते हैं, और अपन जो है लेंथ की डायमेंशन भी जानते हैं, अपन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन जानते हैं, क्या सब लोग जानते हैं? तो हाँ, तो एक बार इसको कॉपी में सोल्व करने का ट्राई कीजिए। मैं आपके साथ साथ एक बार देख लेता हूँ किसी ने कुछ रिप्लाई दिया नहीं। ठीक है, अभी जो है इसको अपनी कॉपी में ट्राई कीजिए, एक कुछ टाइम लीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, साथ में अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं कि टाइम की डायमेंशन मेरे पास क्या है। ठीक है, तो टाइम तो क्या होता है कि टी है मेरे पास, और टी डायरेक्ट डिपेंडेंट है, तो इसको क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, किसको मैं लिखूंगा कि मेरे पास क्या हुआ, एम तो क्या हो गया मेरे पास जीरो हो गया, एल भी मेरे पास जीरो हो गया, और टाइम की पावर मेरे पास क्या है, वन है। इसको मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। के क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है जिसका मुझे नहीं पता है। ठीक है, एम क्या है, ये मास है। ठीक है, तो
तो मास को कैसे लिखूंगा मैं उस वाली चीज को, अपन यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला में, ठीक है। और मेरे पास एल लेंथ है और जी क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका पावर क्या है एक्स है, इसकी पावर क्या है वाई है, इसकी पावर क्या है जेड है। अब आप लोग बताइए एक्स के जो डायमेंशन में मास में क्या आएगा, अपन क्या लिखेंगे मास के डायमेंशन में, तो मास की डायमेंशन में अपन क्या लिखेंगे कि अपन लिख सकते हैं कि मास की पावर, तो सीधी सी बात है कि मेरे पास सिंपल सी है कि एम की कुछ पावर होगी एक्स, एल की कुछ पावर होगी वाई, और ग्रेविटेशन क्या होता है कि उसमें तो अपन कुछ ऐसा लिखेंगे ना कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन क्या होता है कि उसको अपन लिखेंगे कि मेरे पास क्या हो गया एल और टी की पावर माइनस टू, ठीक है। अब इसको अपन ने ओपन कर लिया और सिमिलर इसको एक साथ लेके इक्वेट भी कर देते हैं कि अपन यहाँ पे जान रहे हैं कि एम क्या हो गया, एम तो अपन डायरेक्ट देख सकते हैं अपन कि एम तो मेरे पास डायरेक्ट क्या हो गया जीरो हो गया, तो एम पे तो डिपेंड है ही नहीं हूँ, मास मास पे तो अपन डिपेंडेंसी देखते ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो गया, अपन एक्स बराबर डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। अब एल की पावर वाई और एल की पावर जेड, ठीक है, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू भी यहाँ पे क्या आ रहा है जीरो आता है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक और क्या है कि टी की पावर जो है माइनस टू, ठीक है, माइनस टू जेड इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास वन है, तो जेड क्या मैं लिख सकता हूँ, जेड इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है, जेड इक्वल टू माइनस वन बाई टू आया। तो यहां से अपन इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वाई की पावर मेरे पास क्या आ गई वन बाई टू आई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अपन वैल्यू रख देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन में, तो अपने पास क्या आया कि टाइम पीरियड जो आया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी इक्वल टू क्या आया अपने पास, टी इक्वल टू के आया के, और एल पे पावर क्या है अपने पास, अपन यहां से देख लेते हैं ये एल पे, तो वाई की वैल्यू क्या है अपने पास वन बाई टू, और जेड की जी पे अपने पास पावर क्या है जेड है, जेड की पावर क्या है वन बाई माइनस वन बाई टू, तो एल की पावर वन बाई टू और जी की पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है। इसको अपन फर्दर कैसे लिख सकते हैं कि के है ना, और अंडर रूट लगा देंगे वन बाई टू एल बाई जी, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाला कि टी इक्वल टू के एल बाई जी, तो अपन सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन टाइम होता है वो टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अब देखिए यहां से अपन ने अपने को डिपेंडेंसी दी हुई थी तो अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। पर इसमें सबसे जो बात है, अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला तो निकाल लिया डिपेंडेंसी किस पे है कि एल पे है जी पे है, पर इस फॉर्मूले को गौर से देखिए आप एक बार, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें अपन ने के की वैल्यू जो है अपने को पता थी, इस वजह से अपन रख दी, के की वैल्यू जो है अपने को पता थी। अगर के की वैल्यू पता नहीं होती तो के की वैल्यू क्या है वो अपन क्या यहां से पता कर सकते थे, कैसे पता करते हैं यहां से, अपन यहां से तो नहीं पता कर सकते, तो इस वाली चीज को अपन यहां से पता नहीं कर सकते। तो ये बात अपन बोल सकते हैं कि अपन रिलेशनशिप निकाल सकते हैं पर एग्जैक्ट वैल्यू जो फॉर्मूले में होगी या डाटा जो होगा एग्जैक्ट पता नहीं होगा। अपन ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम की पीरियड लेंथ पे है, ग्रेविटेशन पे है, मास पे नहीं है डिपेंडेंसी, पर कितना है वो अपन एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। तो रिलेशनशिप निकालने का काम आती है पर एग्जैक्ट अपन फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये अपन यहाँ पे यूज करेंगे। अब बात आती है यूनिट कन्वर्जन की, ठीक है। इससे पहले अपन चाहें तो एक आध क्वेश्चन अपन अपने शीट में से भी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने शीट सोल्व की थी, अगर हाँ की थी तो शीट में निकाल लेता हूँ, मेरे पास भी शीट है, ठीक है। अपन ए पार्ट तो सब लोगों ने सोल्व किया ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया, अपन बी पार्ट सोल्व करते हैं, बी पार्ट थोड़ा अच्छा है। अपन डिपेंडेंसी वाला एक क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं 27 वाला। तो अपनी शीट का जो है, शीट में जो है बी पार्ट में 27 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अपन जो नंबरिंग ऐसे ही करेंगे, शीट का जो भी पार्ट होगा उसमें कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बात आ रही है, इसमें दिया हुआ है कि फोर्स जो है वो
एरिया पे और डेंसिटी पे, फंडामेंटल यूनिट पे, वो जो है उसको डिपेंडेंसी उसकी, ठीक है। तो फोर्स एरिया, और फोर्स अपने को दिया हुआ है कि वो एरिया पे भी है और उसकी डायमेंशन जो है अपने पास डेंसिटी पे भी है, ठीक है। और इक्वल टू उसने बोला हुआ है कि वो यंग मॉड्यूल जो होता है वाई, उस पर डिपेंडेंट। वैसे अपन जानते हैं कि वाई क्या होता है, वाई अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि स्ट्रेस अपॉन एस टी, ये अपन ने दोनों पढ़े थे। तो यंग मॉड्यूलर जो है ये होता है अपने पास कि, और इसने बोल दिया कि फोर्स जो है इन दोनों पे, एक तो ये क्या है अपने पास एरिया है, और ये जो है अपने पास डेंसिटी है। अब आप लोग बोलोगे कि सर इनका तो अपने को डायमेंशन नहीं पता, तो ये वाली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज पता नहीं है तो इसके अपन ने डायमेंशन लिखी भी हुई है। ये क्या होता है अपने पास, क्या होता है एफ बाई ए होता है, ठीक है, और ये क्या होता है डेल ए बाई एल होता है। तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, इसका अपने को डायमेंशन पता है, फोर्स का भी पता है, एरिया का भी पता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे कि दोनों को बराबर करेंगे, कि वाई को प्रोपोर्शनल करेंगे किसके, ए और डी के, ठीक है। अपन यहां से इस वाले क्वेश्चन को करिए, अगर आपने नहीं किया है तो ट्राई कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं कि कैसे एक सोल्व करेंगे। तो उसने बोला यंग मॉड्यूलर जो है अपने पास फोर्स पे है, एरिया पे है और डेंसिटी पे है। तो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपने पास इसकी जो डायमेंशन होगी, क्या डायमेंशन है अपने पास इसकी, एफ बाई ए क्या होता है, एफ आप लोग जानते हैं, एफ इक्वल टू एम है, ए का तो जानते ही हैं, और मैंने वैसे भी बोला था कि फोर्स का तो अपने को याद करना ही है, एम एल टी माइनस वन। तो क्या हो गया फोर्स का, कि फोर्स अपन एरिया अपन ने किया, और डायरेक्ट भी अपन एम और एम इंटू ए से निकाल सकते हैं। ए अपने पास क्या है कि एक जो है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा कि लेंथ और उसका, तो एम तो मास हो गया एल, और टी माइनस टू अपने पास हो गया। अब इसने इसको प्रोपोर्शनल किसके किया कि वो जो है वो किसके, फोर्स के है। तो अपन इसको फोर्स की पावर एक्स, ए की पावर वाई और डी की पावर जेड लिख सकते हैं। तो अपने पास फोर्स का अपन ने अभी क्या दिया, फोर्स का यहां से वैल्यू दिया ना अपन ने, फोर्स का तो अपन ने डायरेक्ट लिखा कि फोर्स का क्या है, कि फोर्स का तो ये वाला ही है ना, एम की पावर वन, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस टू, इसकी पावर अपन ने एक्स ली, ठीक है। ये अपन मिटा देते हैं यहां से, क्योंकि ये वाली चीज तो आपको आती है और होप आपको आ रही होगी वाली चीज, ठीक है। तो अपन ने इसको लिखा, अब आपको एरिया का पता है कि एरिया क्या होता है, अगर आपको एरिया का भी नहीं पता है तो आपको दोबारा ये चीज पढ़नी चाहिए कि एरिया तो अपने को पता ही होता है ना, कि एल क्या होता है अपने पास, कि अपने इसको किया एल की पावर टू और उसकी पावर क्या लगी हुई है वाई, और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी तो आपको पता ही होगी कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी अपने पास क्या होती है कि मास अपॉन एरिया, तो एम एल माइनस थ्री हो गया, जेड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को एक सिंप्लीफाई कर लीजिए कि m की पावर x आ रही है, l पे पावर नहीं है वहां पे, तो क्या हो गया कि अपन ने क्या किया, x प्लस जेड इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। फिर अपन ने आगे चले अपन, तो इसकी क्या है, x प्लस टू वाई, और यहाँ पे तो क्या है l की पावर माइनस थ्री है, तो अपन थ्री जेड कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, यहाँ पे भी वन हो गया, ठीक है। माइनस टू एक्स और यहाँ पे जो है माइनस थ्री जेड इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, माइनस टू कर लिया अपन यहाँ पे। अब इन तीनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे, तो वहां से अपने पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अपन वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख सकते हैं, और वहां से जैसे अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखेंगे तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, कि क्या आएगी, जो भी अपने पास वैल्यू आएगी कि अपन यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, तो वो जो वैल्यू आएगी वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसका डायरेक्ट अपन को डिपेंडेंसी पता लग जाएगा। इस टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे।
अब अपन जो है इसमें आगे बढ़ते हैं, अपना जो थर्ड वाला टॉपिक था यूनिट कन्वर्जन वाला, ठीक है, कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है माननी, गुड मॉर्निंग बेटा, अपन जो है यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो अपन कैसे उसको चेंज करेंगे। तो अपने को पता है कि अपने पास दो तीन टाइप के सिस्टम है, एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है, या जो अपने को मान लीजिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये सिस्टम नहीं देखे अपने आप से यूनिट कन्वर्जन के लिए बोला जाता है, आपकी शीट में ऐसे सवाल भी है तो वहां पे अपने को बोला जाता है, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अपन सब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको अपन क्या लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक उसकी यूनिट होगी, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन और यू लिखते हैं, ठीक है। तो अपन अगर उन पहली इक्वेशन में अपन ने ली कि कोई फिजिकल क्वांटिटी उसकी एक यूनिट है एन वन यू वन है, एन वन अपन ने उसकी फिजिकल क्वांटिटी ली, यू वन उसकी यूनिट ली, अपन ने उसका यूनिट कन्वर्जन किया तो उसकी यूनिट कन्वर्जन में यू टू आया तो उसके अकॉर्डिंग उसका एन टू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, अपन ये वाला फॉर्मूला गिवन कर सकते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट चीज यही आती है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अपन जो है पढ़ना चाहें तो वेन यू चेंज द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड मे चेंज बट इस डायमेंशन फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अब बात क्या आ रही है कि अपने पास क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, एन वन और एन टू तो चेंज हो जाएगा, पर डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या होता है कि डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, कि मैंने अपने पास क्या है कि पावर है किसी चीज की, तो अगर मान लीजिए वो चीज़ मीटर में है, मीटर में भी मैं उसके लिए अगर एल यूज कर रहा हूँ और सेंटीमीटर में भी मैं उसके लिए एल यूज कर रहा हूँ और उसकी पावर मान लीजिए एरिया है, तो एल की पावर अगर मैं टू लिख रहा हूँ और सेंटीमीटर में भी तो मैं एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखूंगा ना, तो उसकी डायमेंशन तो हमेशा सेम हुई ना, एरिया की डायमेंशन तो मैं चाहे सेंटीमीटर में लिखूँ, मीटर में लिखूँ, मिलीमीटर में लिखूँ, किसी भी चीज़ में लिखूँ, डायमेंशन तो सेम हुई। चेंज क्या हुआ कि चेंज क्या हुआ उसके पास मेरा कि उसका जो मैग्नीट्यूड था वह चेंज हुआ, ठीक है। एक सिंपल सी बात आती है कि वन न्यूटन कितना होता है अपन सीजीएस में देखें तो वो चीज़ अपन यहाँ पे डिराइव भी कर लेते हैं कि एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कन्वर्ट वन न्यूटन टू डाइन, डाइन ये वो वाले डाइन नहीं है, ये डाइन है सीजीएस की जो यूनिट आती है वो वाली है, ठीक है। तो अपन इसको ये क्या है ऐसा यूनिट में है वन न्यूटन और सीजीएस में क्या है डाइन है, ठीक है। अपन सब न्यूटन क्या है फोर्स की वैल्यू है एक, तो उसकी डायमेंशन अपन जानते हैं, तो क्या होती है फोर्स की डायमेंशन अपन बार बार निकाल के इतनी बार निकाल ली अपन ने, क्या होती है m इंटू a होती है अगर अपन डायरेक्ट जाना चाहें, और a क्या होता है कि डिस्टेंस और टाइम में माइनस टू होता है, तो m l t माइनस टू, m की पावर वन, l की पावर वन और t की पावर माइनस टू। अब बात करते हैं अपन को जाननी है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, जब अपन यूनिट कन्वर्जन करेंगे कहीं अपने को डाइन की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अपन ये वाली चीज़ यूज करेंगे। तो वन न्यूटन इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि वन न्यूटन क्या होता है अपने पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपन ने जाना किलोग्राम मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए और सेकंड जो है टाइम के लिए। डाइन में भी वो वाली चीज़ क्या होगी कि 1 ग्राम होगा, सेंटीमीटर होगा और सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब अपने को एन वन तो पता है, अपन ने यहाँ पे क्या किया कि एन वन यू वन इक्वल टू क्या करेंगे एन टू और यू टू करेंगे, ठीक है। तो एन वन की वैल्यू क्या है 1 है, अब एन टू की वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एन टू की वैल्यू में यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अपन फाइंड आउट में क्या करेंगे, अपन जानते हैं एम वन के जी में है, मीटर जो है लेंथ के लिए मीटर है और टाइम के लिए अपन सेकेंड यूज कर रहे हैं, यहाँ भी सेम बात है कि एम टू अपन ग्राम के लिए, ठीक है, एल टू जो है सेंटीमीटर के लिए और टी टू सेकेंड के लिए यूज कर रहे हैं, तो डायमेंशन तो दोनों का सेम हुआ ना, यू वन इक्वल टू एम एल वन और यू टू इक्वल टू ये हो गया। तो अपन बात करें डायमेंशन की तो सेम है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि अपने को दिया हुआ है एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू अपने पास है, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है एन टू फाइंड आउट करना है, तो अपन एन टू को ऐसे लिख सकते हैं एन टू इक्वल टू एन वन यू वन डिवाइड बाई यू टू लिख सकते हैं, और यू टू क्या होगा, यू वन और यू टू क्या होगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे और उनकी पावर भी होगी, तो एन वन को आगे निकाल के और डायमेंशन में उनके दोनों के डायमेंशन कन्वर्जन लिख लेंगे और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आगे अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपने पास ये है, अब देखिए अपन ने यहाँ पे वो किया एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू अपन ने कर दिया कि एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू अपने पास हो गया, तो एन टू क्या हुआ एन वन डिवाइड बाई यू वन बाई यू टू है ना। अब अपन ने ऊपर वाले डायमेंशन लिख दी कि मास को अपन ने लिखा तो एम वन डिवाइड बाई एम टू इसकी पावर कितनी है मेरे पास 1 है, ठीक है। एल वन डिवाइड बाई एल टू इसकी पावर कितनी है मेरे पास लेंथ जो है वो भी
उसकी भी डायमेंशन जो है 1 है। अब टाइम की बात आती है कि T1 बाई T2 इसकी डायमेंशन मेरे पास कितनी है, -2 है। ठीक है, अब बात करें अपन कि N1 की वैल्यू अपने को पता है कि एक अपन एक न्यूटन फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो N1 की वैल्यू 1 होगी। M1 जो मेरे पास क्या था कि मैंने उसको MKS में जो लिया था या SI यूनिट जो मैंने ली थी वो क्या थी, मेरे पास KG थी। और M2 मेरे पास क्या है, CGS मेरे पास क्या है कि ग्राम है मेरे पास CGS, तो मैंने वहाँ पे ग्राम लिख दिया। यहाँ पे क्या है, मेरे पास मीटर है और नीचे क्या है, सेंटीमीटर है। टाइम तो दोनों में अपन सेकंड में ही लेते हैं, टाइम तो लगभग सभी में अपन सेकंड में लेते हैं। कहीं पे दिया हुआ है तभी अपन वहाँ पे चेंज करेंगे, वरना ज़्यादातर केस में मैक्सिमम अपन जो है सेकंड में टाइम लेते हैं। बात है कि अपन ने यहाँ पे क्या किया, तो ग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ग्राम को मैंने क्या लिखा, 10^3 kg को ग्राम में मैंने चेंज किया, तो 1 kg इक्वल 10^3 ग्राम मैंने लिखा। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर बराबर क्या जानते हैं अपन, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10^2 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया कि ग्राम से अपन ग्राम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो क्योंकि अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेजरमेंट अपने को फाइंड आउट करना है, तो N2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि N2 मेरे पास क्या हुआ, N2 हो गया 1 का 1, 10^3 और 10^2 आ गया अपने पास। तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो N2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी कि 10^5। अब N2 क्या था, N2 था मेरे पास CGS में जो अपन उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन अपन लिख सकते हैं, यस और नो बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सबको क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, तो 1 न्यूटन अपन ने क्या लिखा, 10^5। ठीक है, अब बात आती है सर ये क्या मैं हर जगह कर सकते हैं, कि अपन हर जगह ये वाली चीज कर सकते हैं, जहां जहां अपने को फॉर्मूला पता है अच्छे से अपन जानते हैं वहां पे हर जगह ये वाली चीज कीजिए। इस वाले से अपन ने अब 3 चीजें क्या सीखी, सबसे पहले तो कि अपन यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, दूसरी चीज अपन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। पहला और दूसरा जो पॉइंट है लगभग सेम ही, लगभग सेम का मतलब वहां से भी अपन निकाल सकते हैं। एक अपन एग्जांपल लेना चाहें, लास्ट में अपन जाते हैं, ठीक है, एक अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि क्या वो जो अपन बात कर रहे हैं कि केवल डिपेंडेंसी होती है या सही में एग्जैक्ट वैल्यू देता है। मान लीजिए अपने को पता है कि फोर्स जो है, अपन ने बात की कि फोर्स डिपेंड कर रहा है उसके मास पे, ठीक है, और उसके एक्सेलरेशन पे, ठीक है, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, ठीक है। अब अपन इसको इसके प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट लेते हैं k और उसका ma से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन अगर डायमेंशनली इसको प्रूव करना चाहें तो f की डायमेंशन अपन जानते ही हैं कि f जो है ml t-2 अपने पास हो गया, और अपन k की तो कोई अपन कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, डायमेंशन की बात ही नहीं है। m की डायमेंशन kg में हुई, तो अपने m और L और t-2 अपन ने यहाँ पे ले दिया, दोनों को डायमेंशनली प्रूव करें तो डायमेंशन तो दोनों सही आ गया। अब K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू तो अपन तो जानते हैं कि F इक्वल टू ma होता है, पर क्या अपन इसको यहाँ से बता सकते हैं कि K की वैल्यू क्या 1 है, क्या अपन बोल सकते हैं कि K की वैल्यू 1 है, ये चीज़ अपन यहाँ से गिवन नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी डायमेंशन फॉर्मूला में दे दिया आपको कि F इक्वल टू 3 ma दे दिया, F इक्वल टू 3 ma दे दिया। अब उसने बोल दिया कि F जो है A पे भी डिपेंड कर रहा है, m पे भी डिपेंड कर रहा है, तो 3 कहाँ से आया, तो अपन ये वाली चीज करेक्टली नहीं बोल सकते। मतलब जो है इससे अपन डायमेंशनली एक रिलेशन से दूसरे रिलेशनशिप पे जा सकते हैं, पर एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकते। मतलब जो मान लीजिए आपको कहीं इक्वेशन दी है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, अब उसको ये बोलता है कि डायमेंशनली प्रूव करिए कि ये इक्वेशन करेक्ट है, तब तो अपन प्रूव कर सकते हैं, पर क्या इक्वेशन ऐसे में ऐसे लिखूंगा तो डायमेंशनली सही होगी कि नहीं होगी। ut लिख दिया प्लस 2 at स्क्वायर लिख दिया, तो डायमेंशनली तो ये भी सही है और ये भी सही है, डायमेंशनली अपन ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों डायमेंशनली तो करेक्ट है ना। डायमेंशनली अपन बात करें तो कि m की डायमेंशन वही है, a की डायमेंशन वही है, उधर भी m की डायमेंशन, a की डायमेंशन है, f की डायमेंशन सेम है,
तो बात तो न्यूमेरिकल वैल्यू पैकेट की ना, कि न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को पता नहीं होती, तो अपन जो है डायमेंशनली इनको प्रूव कर सकते हैं कि सही है, पर एग्जैक्ट वैल्यू पे अपन पता नहीं लगा। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज अपने पास होती है कि डायमेंशनली इसका यूज जो है यूनिट इन डायमेंशन में अपन डायमेंशनली प्रूव करने के लिए ले सकते हैं, पर एग्जैक्ट डाटा पे अपन बता नहीं सकते कि वो चीज क्या है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने यहां से बात की। अब बात आती है, अपना एक नया टॉपिक आता है फिर, ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब इसी पे बेस पे अपन एक दो क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं कि अपन ने डायमेंशनली प्रूव तो किया, अब अपने शीट के अंदर भी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग भी सोल्व कीजिए, और जो अपन ने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो अपन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अपन ने किए थे। ठीक है, स्टार्टिंग से ही अपन देख लेते हैं एक बार, आपकी शीट में आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो उसको ट्राई कीजिए। देखिए, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप केवल एक बार पढ़ के ही उसको एग्जाम देने जाएंगे तो हो जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन कीजिए। मिनिमम अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन तो आपको डेली के लगाने ही हैं। आपको टॉपिक मिलता है टॉपिक से लगाइए, PYQ भी कुछ डले हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए शीट इनफ है, मतलब सारे टाइप के अपन ने वहाँ पे सैंपल ऑफ क्वेश्चन अपन ने वहाँ पे डाले हुए हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो इनफ है, मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए उस वाली चीज़ को सोल्व कीजिए। अपन बात करें कि अपन ने इसमें क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया था। ठीक है, कि एक जो अपने पास बात आई थी, अपन ने अभी एक क्वेश्चन किया, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, डायमेंशन वाला देखा अपन ने। एक चीज और देख लेते हैं कि अपन ने इक्वेशन जानी थी, अब अपने को एक इक्वेशन गिवन है, अपने को एक इक्वेशन गिवन है कि मेरे को क्या होता है। ठीक है, कि अपने को एक इक्वेशन गिवन है कि एक इक्वेशन क्या है अपने पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो अपना क्वेश्चन नंबर मैं लिख भी देता हूँ शीट का, अपने पास बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर 2π बीटा गामा अपॉन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अपन को उसके यूनिट भी दी गिवन है, कि यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ अपने को यूनिट में, गिवन डाटा में लिख रहा हूँ आपके लिए, कि जो है x जो है अपने पास x का जो यूनिट है वो है मीटर। ठीक है, अल्फा का दिया हुआ है कि अल्फा जो है फ्रिक्वेंसी अपन मान सकते हैं क्योंकि सेकेंड का इनवर्स दिया हुआ है उसने, और बीटा जो है बीटा अपने को दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड और उसका भी इनवर्स। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कि अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है, अपने को यहाँ पे बताना है कि वाई का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, और गामा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वाई और गामा का डायमेंशन क्या होगा, जिसमें ऑप्शन दिए हुए अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है कि मीटर स्क्वायर होगा और मीटर सेकंड का स्क्वायर होगा माइनस टू होगा। बी ऑप्शन अपने पास है मीटर कॉमा मीटर सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपने पास क्या है कि मीटर स्क्वायर होगा या मीटर होगा, और फोर्थ ऑप्शन अपने पास क्या है कि मीटर होगा या मीटर की पावर। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन अपने को गिवन है, अब इसको सोल्व करके ट्राई कीजिए अभी, या सोचिए ये सोल्व कैसे होगी। सबसे पहली बात तो यही होती है कि सोल्व कैसे होगी, अपने को ये सबसे पहले ये जानना होता है कि सोल्व कैसे होगी वाली चीज। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू कोई अपने को साइनसोइडल वेव है जिसकी इक्वेशन वैसे बेसिकली दी हुई है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर 2π अपन बीटा गामा अपन अल्फा दिया हुआ है। तो क्या अपन ये लोग अपन ये बात तो जानते हैं ना कि अगर साइनसोइडल वेव दी हुई है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है अपने को इक्वेशन में, कि ऐसी इक्वेशन दी हुई है कि y के फॉर्म में कुछ दिया, उसका x के साथ कुछ रिलेशन दिया और cos थीटा दिया। cos के अंदर तो थीटा ही होगा ना, यहाँ पे कोई ऐसा तो चीज है ही नहीं कि कुछ भी दे देंगे, cos के अंदर तो cos स्क्वायर थीटा ही अपन लिखते हैं ना। थीटा क्या होता है कि थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, ये तो पता है सबको, अगर ये भी नहीं पता तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते भाई, थीटा तो डायमेंशन लेस होता है ना।
ठीक है, ये चीज अपने को पता है। दूसरी चीज कि थीटा अगर डायमेंशन लेस है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कोस थीटा की वैल्यू तो कुछ आएगी 0, 60 डिग्री पे कुछ अलग, 1/2 या कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब वो भी डायमेंशन लेस है, वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो क्या अपन ये चीज लिख सकते हैं कि ये जो डायमेंशन, इसकी जो गिवन डायमेंशन होगा वो इस पूरी इक्वेशन की गिवन डायमेंशन के बराबर होगा, ये बात अपन बोल सकते हैं। तो अपन यहां से क्या ये चीज बोल सकते हैं कि जो y की डायमेंशन होगी वो केवल किसकी डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, x स्क्वायर की डायमेंशन पे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन ही होगी x स्क्वायर की डायमेंशन के। क्या ये बात करेक्ट है? अगर हाँ तो अगर अपन ये लिखें कि x स्क्वायर की, तो अपने को डायमेंशन क्या दी हुई है कि मीटर दी हुई है, तो मीटर क्या होती है कि लेंथ की डायमेंशन होती है, और मीटर का स्क्वायर क्या होगा कि लेंथ की डायमेंशन होगी। तो y जो है, y की डायमेंशन अपन डायरेक्ट से लिख सकते हैं कि y की डायमेंशन क्या हुआ, इससे अपन ने क्या गिवन किया कि y की डायमेंशन जो है वो होगी एल की पावर 2। या अपन चाहें इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि y की डायमेंशन जो होगी वो m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर भी 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि अपने को और पूछा कि गामा की डायमेंशन क्या होगी, अपने को क्या क्या गिवन है, अल्फा गिवन है अपने पास, बीटा गिवन है, और गामा को अपने पूछा गया है। अब 2π की तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा, ठीक है, गामा और डिवाइड बाई अल्फा जो क्या होगा ये डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, m की पावर भी 0 है, l की पावर भी 0 है और t की पावर भी 0 है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और अपन अब इसमें एक और बात आती है कि अपन जब दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जब ही तो हो सकता है ना भाई, केजी से केजी ही तो कटेगा। अब ये चीज अगर डायमेंशन लेस होनी है तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि अल्फा की जो डायमेंशन होगी वही बीटा और गामा की डायमेंशन के बराबर होगी। क्लियर है बात, दिक्कत आई? ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है कि बीटा और गामा और अल्फा एक डायमेंशन ली, मतलब डायमेंशन नहीं है उनकी, डायमेंशन नहीं है मतलब उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब दो चीजें कट गई, डायमेंशन लेस बना दी। तो क्या ये बोल सकते हैं अपन इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, देखिए केजी से केजी कट गया तभी तो वो डायमेंशन लेस आया, मतलब उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं थी ना। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि बीटा और गामा की डायमेंशन अल्फा की डायमेंशन के बराबर है? ये क्लियर है सब लोगों को? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अपन और बात करें कि अपने पास क्या है कि अल्फा की डायमेंशन अपने को क्या दी हुई है, अल्फा की जो डायमेंशन अपने को गिवन है कि अल्फा की डायमेंशन जो है वो है सेकेंड का इनवर्स। बिल्कुल, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि एम जीरो एल जीरो और टी की पावर -1 गिवन है। ठीक है, अब बात आती है कि उसने क्या किया हुआ है कि अपन को बात आती है कि बीटा और गामा की डायमेंशन जो है वो अल्फा की डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, और बीटा की डायमेंशन क्या हुआ दी हुई है, मीटर सेकंड इनवर्स का भी इनवर्स। ठीक है, अब उसको पहले सोल्व कर लेते हैं कि बीटा की डायमेंशन जो अपने को दी हुई है मीटर सेकंड इनवर्स का भी इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या क्या लिखेंगे कि ये क्या हो गया कि एल हो गया और टी की पावर -1 हो गया, उसका भी -1 है। तो क्या इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ एल की पावर 1, अब इस टी की पावर -1 का भी -1 है, मतलब पहले वो नीचे जाएगा फिर उसको -1 करेंगे तो वापस ऊपर आएगा, तो टी की पावर 1 हो जाएगा। क्या ये सही बात है? अगर हाँ सही बात है तो फिर अपन इसको और गिवन कर सकते हैं कि अल्फा क्या है, टी की पावर -1 ही तो है यहाँ पे डायमेंशन में। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो भाई, मीटर और सेकंड मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास कि ये क्या है सेकंड इनवर्स है, तो अपने को बीटा की अपने को गामा की डायमेंशन पता करनी है, तो गामा की डायमेंशन में यहाँ से इसको ऐसे करके भाई सेकंड इनवर्स अपॉन मीटर इनवर्स और सेकंड यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मीटर और सेकंड, और इसको डायमेंशन ही यहाँ से प्रूव करना चाहें तो अपन यहाँ से गामा की वैल्यू डालेंगे तो गामा की डायमेंशन क्या आ जाएगी अपने पास,
कि m0 l की पावर 1 और t की पावर यहाँ माइनस 2 होएगा, सेकेंड ऊपर और जाएगा तो t की पावर माइनस 2 और ये जो है गामा की डायमेंशन आ गई। ठीक है भाई, सब लोगों को क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, तो अपन बात करें कि अपने को क्या क्या दिया हुआ था ऑप्शन में, तो गामा की पावर अपने को यहां से देख सकते हैं अपन कि मीटर और सेकंड का इनवर्स का पावर माइनस 2 और जो है अपने पास वाई की क्या डायमेंशन आई, क्या वाई की डायमेंशन अपन चाहें तो एल की पावर 2 या मीटर की पावर स्क्वायर। अब ऑप्शन में अपन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा अपना करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ तो ऑप्शन तो अपन चेक कर लेंगे फिर बाद में। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अपन कितना टाइम हुआ? ठीक है, अब अपन जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि अपन जब कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, या फिर अपन जो है, आप लोगों ने आज केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा होगा, अपने भी यहाँ पे वो थोड़ा बहुत काम आता है। सिग्निफिकेंट फिगर काम आते हैं अपने कि सिग्निफिकेंट फिगर में क्या क्या आपने कैलकुलेशन जैसे अपने मल्टीप्लिकेशन एडिशन या कुछ करेंगे तो वहाँ पे क्या काम आएगा। पहली बात सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर बोल दीजिए या सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिजिट में सही, सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों ज्यादा सही है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट ही अपन काउंट करते हैं और अपने ज्यादातर वही काम आते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि किसी भी नंबर को अपन जब लिखेंगे तो नंबर को अपन दो टाइप से लिखते हैं, या तो प्योर नंबर होता है मतलब उसमें डेसिमल नहीं होता है, ठीक है, तो हो सकता है वो किस टाइप की हो, नॉन डेसिमल हो, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा उसका टाइप क्या हो सकता है कि वो डेसिमल में हो सकता है। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री वाले सर ने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया होगा, अपन जो है उतना अपने डीप में आता नहीं है और अपने को केवल अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए चाहिए होता है, तो अपन इसको उतना ही जानेंगे। नॉन डेसिमल पहले तो बात आती प्योर नंबर की, ये मेरे पास एक प्योर नंबर है, कि प्योर नंबर क्या है मेरे पास, मान लीजिए कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, जैसे लिखूँ मैं कि मेरे पास है 420, मान लीजिए 420, ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी अपने पास नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो प्योर नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हो सकते हैं इनफाइनाइट। प्योर नंबर अपने को गिवन है, उसके बारे में कुछ अपन से नहीं बोला गया है, केवल एक रेंडमली नंबर दिया हुआ है अपने पास, तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। कहीं आपसे पूछ लिया गया ये नंबर है, इस नंबर पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे वहाँ पे। अब बात आती है अपने पास नॉन डेसिमल वालों की, नॉन डेसिमल डेसिमल दोनों को साथ लेके ही चल चलते हैं, ठीक है। नॉन डेसिमल का मतलब एक कोई नंबर अपने को गिवन है तो नॉन डेसिमल नंबर में उसके पीछे जितने जीरो लगते हैं, मतलब एक नंबर दिया हुआ है अपने पास, मान लीजिए 1010 दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर अपने को गिवन है, तो इस नॉन डेसिमल नंबर में जब अपने को दिया हुआ है नॉन डेसिमल नंबर, तो इसमें क्या करते हैं अपन कि उसके सारे नंबर की जितनी उसमें डिजिट है उन सबका योग ही उसका क्या होता है कि अपने पास, अपन उसका जब बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे उसमें, जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो उसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। इसमें जो है बीच वाली जीरो को भी काउंट करते हैं और अगर नंबर के बाद वाली जीरो है तो उसको भी काउंट करते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट में अपन ने चार चीज़ें देख ली, उसमें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में अगर डिजिट दी हुई है 1 से 9 तक की तो वो काउंट होगी, दूसरी चीज कि उसके बीच में अगर जीरो आ रहा है, जीरो डिजिट आ रही है तो भी काउंट होगी, और नंबर के बाद में अगर जीरो डिजिट आ रहा है तो वो काउंट होगा, नंबर के पहले अगर जीरो डिजिट आ रहा है, ऐसे में लिखूं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, केवल दो होंगे, एक और दो, इसमें कितना हुआ 1 2 3 4, इसमें लास्ट वाला जीरो भी काउंट करते हैं। अब बात आती है डेसिमल में, तो डेसिमल में अगर मान लीजिए अपने को कोई नंबर दिया हुआ है, ये मैंने नंबर दे दी, ठीक है, पहले नॉर्मली ले लेते हैं ताकि
ठीक है। तो इसमें डेसिमल फिगर में वही सारे नंबर जो भी आ रहे हैं वो काउंट होंगे, डेसिमल के बाद वाला फिगर भी काउंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि तीन जो है डेसिमल हो जाएंगे। अब इसमें जो बात आती है कि बीच वाले भी, इसमें भी क्या हो गया कि तीन हो गया। इसमें एक और बात यह है कि डेसिमल के बाद अगर जीरो लगा हुआ है तो वो डिजिट भी काउंट होगा। तो इसमें अगर एक दो तीन चार, तो अपने पास क्या होगा चार डेसिमल डिजिट। मतलब अगर उसके बाद डेसिमल के बाद जीरो लगा हुआ है तो वो भी काउंट होगा। अब और आगे अगर बात की गई है कि सर नहीं जीरो पहले आ गया, तो मान लीजिए ऐसे जीरो आ गया 0.0034, तो इसमें डेसिमल कितने आए अपने पास, सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए अपने पास, दो आए, ये दो, जबकि डेसिमल के पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो है, ठीक है। अगर इसके बीच में जीरो आ जाता है कि 340, ठीक है, यहाँ पे भी जीरो लगा लेता, तो इसमें भी डेसिमल फिगर कितने अपने पास, ये तीन हुए, सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास ये तीन हुए, ठीक है। तो बेसिकली इतने ही अपने काम आते हैं। और अगर अपन और जानना चाहें इनके बारे में कि एडिशन कैसे करते हैं, जितने सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम होंगे एडिशन में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर अपन काउंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी वही काम आता है अपने पास। अपने बेसिक जानकारी इतनी है, आपको अगर और डीप में अगर पढ़ना हो तो केमिस्ट्री में जो है भरत सर ने पढ़ाया होगा आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे यूज करते हैं, तो वहां से आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपनी बुक में इतना ज़्यादा है नहीं, इतना ही अपने को दिया हुआ है, इतना ही अपना काम का है, तो अपन इसको इतने तक ही रखते हैं, ज़्यादा उतना वैल्यूबल नहीं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर अपन ने पढ़ लिया। अब बात आती है कि अपन कुछ रीडिंग लेंगे, तो रीडिंग लेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां तो अपन से होगी। तो अपन बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन की, तो मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट में गलतियां होना ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक है कि गलतियां तो अपने पास होगी ही सही। अब गलतियां अपने पास क्या हो सकती है, क्या क्या अपन से गलतियां हो सकती है, वो अपन इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। क्या है अपना अगला पार्ट, कि अपना अगला पार्ट है कि एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस अपन पढ़ेंगे। एरर एनालिसिस क्या है कि जो भी अपन काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं मैं सिंपल स्केल से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ या मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो कहीं नहीं कहीं अपन कभी ना कभी उसमें गलतियां कर दीजिए। जैसे किसी ने मेरे से बोला कि 4 सेंटीमीटर की लाइन की, अपन सेंटीमीटर वाला स्केल लेंगे उसको ड्रॉ तो करते हैं, पर कभी ना कभी एक आध वो जो है मिनिमम वो छूट जाता है, तो वो जो छूटता है अपन उसको गलती से छोड़ देते हैं, ह्यूमन एरर जिसको बोले अपन, तो वो अपनी क्या होगी, गलती होगी। पर उसको सुधारने के लिए अपन क्या करेंगे कि उसी चीज को बार बार करेंगे और एग्जैक्ट डाटा से मैच करेंगे, तो अपनी वो चीज अपना क्या होगा, इंप्रूवमेंट होता जाएगा। तो वही चीज अपने यहाँ पे एक टॉपिक के फॉर्म में आती है कि एरर एनालिसिस क्या होता है, इसको अपन पढ़ लें। हाउएवर हार्ड वी ट्राई, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंट बिटवीन द मेजरमेंट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी अपन बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच गिवन बर्थ ऑफ एरर। वो वही अपन ने बात की कि एक ट्रू वैल्यू थी, क्या थी ट्रू वैल्यू, कि मेरे से बोला गया था 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है, और मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जैसे अपन ने यहाँ बोलता कि अपन ने क्या कितना भी करें और मेजर वैल्यू अपन ने क्या की, मेजर करने का ट्राई किया कि वो स्केल लिया और मेजर कर रहा था मैं उस वैल्यू को 4 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो हमेशा जब अपन क्या कर रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ और मेरे से तो हुआ ही नहीं, 3.9 पे रह गया, कभी ज़्यादा हो गया 4.1 हो गया, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है वो क्या करता है, एरर लाता है। एरर क्या, एरर को जन्म देता है। तो एब्सोल्यूट एरर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तो एब्सोल्यूट एरर की अपन बात करें कि एक उसकी मेजर वैल्यू है और इसकी एक ट्रू वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस है वो जो है एब्सोल्यूट एरर होगा, एरर होगा। अब बात करें कि सर जैसे एग्जांपल कि मैंने बोला कि मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है पर मैंने उसको 3.9 या 3.95 पे ड्रॉ की, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी कि अगर मैंने 3.9 की ड्रॉ की तो जो 0.1 जो एरर में से हुआ, एरर हुई या मेरे से मेजरमेंट नहीं हुआ, उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। जैसे बात कर ले अपन पास बात करते हैं कि एक क्वांटिटी है, लेट अ क्वांटिटी इज मेजर एन टाइम, अपन ने उस मेजरमेंट को क्या किया, एन टाइम बार बार रिपीट करके किया, ठीक है, और उसमें अपन ने मेजरमेंट निकाला, तो मेजरमेंट निकाली तो अपने पास वैल्यू आई x1 x2 x3 x4 xn, ठीक है। तो मीन वैल्यू अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं, तो वो क्या हो जाती है अपने पास
कि जो भी अपन ने एक्सपेरिमेंट किए उनको सबको ऐड कीजिए और जितने बार अपन ने एक्सपेरिमेंट किया नंबर ऑफ एन टाइम अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ मेरे पास, मेरी ट्रू वैल्यू का मीन आ गया। मीन भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू का मीन आ गया कि मेरे पास एन एक्सपेरिमेंट मैंने किए, वन किया, टू किया, थ्री किया, मैंने एक बार 3.9 लिया, मैंने एक बार 4.1 लिया, मैंने एक बार 3.8 ले लिया, अब मैंने तीन बार किए तो मैंने तीन बार डिवाइड कर दिया, और मैंने ये एन बार रिपीट किए, बार बार मैं करता जा रहा हूँ। तो उसी चीज को लाने के लिए फिर यहाँ पे अपने पास मीन वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ कि जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ कि पहली बार जो अपन ने मेजरमेंट लिया या उसकी जो ट्रू वैल्यू अपन बोल सकते हैं वो एक्स थी, और मेरा एक्सपेरिमेंट वैल्यू क्या था, वो एक्स वन था। तो डेल्टा एक्स वन क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स वन हो गया, ठीक है। डेल्टा एक्स टू क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स टू हो गया। कि दूसरा वाला मैंने जो मेजरमेंट लिया उसमें कितना एरर आ रहा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सर नेगेटिव हो सकता है, हाँ बेटा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या जीरो हो सकता है, तो जीरो भी तो हो सकता है, पर नेगेटिव पॉजिटिव ही ज़्यादा होगा क्योंकि एरर की अपन बात कर लें। वही अपन बात करें, जैसे मान लीजिए 10 थे, किसी को नापने के लिए दिया हुआ, उसने केवल इतना ही मेजरमेंट किया, जैसे अपने पास के 10 ब्लॉक थे, किसी ने मेजरमेंट किया तो वो इतना ही कर पाया, तो उसने क्या मेजरमेंट किया, 9 मेजरमेंट किए। तो उसमें अपन ने क्या किया कि अपन ने डेल एक्स माइनस डेल एक्स एक्स वन किया, तो अपने पास डेल एक्स वन क्या है अपने पास, कि उसको अपन ने 10 माइनस 9, तो अपने पास 1 वैल्यू आ गया, तो ये पॉजिटिव है ना। पर उसने क्या किया गलती से, उसने एक मेजरमेंट अपनी साइड से ज़्यादा ऐड कर दिया। अब एक मेजरमेंट ज़्यादा ऐड कर दिया तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, कि मैंने यहाँ पे 9 काउंट, 10 थे, 10 की जगह उसने 11 काउंट किए और 11 को उसने लिख दिया, 11 देखो कि मेरा तो एक्स टू का जो वैल्यू आ रहा है वो 11 आ गया। तो उसकी एब्सोल्यूट एरर क्या हुई कि डेल्टा एक्स टू क्या हो गया मेरे पास, एक्स माइनस एक्स टू जो मेरे पास क्या आया कि वो तो आ गया मेरे पास माइनस वन आ गया। तो जो है एब्सोल्यूट एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन क्या हुआ, अपन ने जो अपनी एरर हुई पर्टिकुलर हर टाइम पे जो अपन ने मेजरमेंट लिया उनमें जो एरर हुई उसका अपन मीन निकालेंगे और उसको अपन एब्सोल्यूट एरर करेंगे। इस चीज को मीन एब्सोल्यूट एरर, और आगे जो है परसेंटेज ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज ऑफ एरर जो है अपन आगे वाले लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज तक के लिए अपन अपना होमवर्क मान के चलते हैं कि अपनी जो शीट है उसमें एक्सरसाइज अपने पास 2 पार्ट में है, 1 और 2 यूनिट। उसमें अपन अभी एरर वाला पार्ट नहीं करेंगे, बाकी जितना भी अपने को गिवन है उस एक्सरसाइज में कीजिए। अपन एरर कंप्लीट करके अगले वाले लेक्चर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ एरर के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जहाँ पे मैंने जितना पढ़ा दिया, जो मीन वैल्यू बढ़ा दी, जो एब्सोल्यूट पढ़ा दिया, उसका भी चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सबसे जरूरी थी। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको फिजिक्स अच्छी लग रही होगी क्योंकि फिजिक्स में इंटरेस्ट आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। देखिए अभी नीट का रिजल्ट आया, तो नीट के रिजल्ट में अगर देखने लायक चीज देखें ना अपन, तो रैंक और स्कोरिंग उन्होंने ही ज़्यादा किया है जिन्होंने फिजिक्स पे मेहनत की। फिजिक्स वैसे सब्जेक्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक बार आपको समझ में आ गया ना, दोबारा आपको उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो वही है, एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए, अलग अलग मेथड देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं अपन, और कोई दिक्कत हो किसी को तो चैट में वो लिख सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऐप जो है, ऐप पे आप पढ़ ही रहे होंगे, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए, वहाँ पे शीट दी हुई है, प्रैक्टिस शीट दी हुई है, तो सबको क्लियर कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो बेफिक्र पूछिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते जाइए, मज़े से पढ़िए, ठीक है बेटा, ओके।